शशि ने बबलू की ओर देखा। उसका चेहरा कितना भोला मालूम होता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। बबलू गोरा चिट्टा बच्चा था जिसको देखकर सभी को उससे प्यार करने को मन होता है। फिर शशि तो उसकी माँ थी, सारे दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती। बबलू को पाकर तो ऐसा लगता कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। बबलू से बड़ी 7 साल की बेटी नीलू भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों में जान से भी ज़्यादा चाहने वाली सासू उनके प्रति लापरवाह कैसे हो गई, आज तो हद ही हो गई। सुबह जब वो ऑटो पर बैठने लगी तो बबलू उसके पाँव से लिपट गया। प्यार से मानने पर नहीं माना तो शशि ने उसे डांट कर दे तो ही कर दी। उसने आओ देखा ना ताओ उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा कुछ दूर से पड़ गया था, उंगलियों के निशान गाल पर उभर आए थे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और बबलू की गोद में ले आकर मनाने लगे। सास ने जो आंखें तरेर कर शशि की ओर देखा तो वह सहम गई। ऑटो में बैठते ही ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, जब करते नहीं बनता तो क्यों करती हो नौकरी, यहाँ क्या खाने के लाले पड़े हैं। स्कूल में उस दिन किसी काम में मन नहीं लगा, इच्छा तो हो ही नहीं रही थी छुट्टी लेकर घर जाए, पर अभी भी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही हुए थे। प्रधानाध्यापिका वैसे भी कहती रहती थी कि भाई नौकरी तो बच्चों वाली को करनी ही नहीं चाहिए, स्कूल में अपना ध्यान रहेगा। पप्पू लल्ली में यह कहकर ये एक तिरस्कार पूर्ण हंसी हंसते हुए खुद 45 वर्ष की आयु में कुंवारी थी। स्कूल का समय समाप्त होते ही शशि ऑटो के लिए ऐसे ही दौड़ी कि सामने से आते ही प्रधानाध्यापिका व अन्य अध्यापिकाओं का अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे इस बात का ख्याल आया, दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिका के साथ बनती भी अच्छी नहीं है और वो उस वरिष्ठ भी हैं। खैर जो भी हुआ अब क्या हो सकता है। ऑटो वाले से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलो। कुछ देर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं? बहुत ही बड़े वकील हैं, शशि ने संगवर कहा। ऑटो वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से उसे सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया शशि का संकोच बढ़ता गया। सास ससुर के कैसे आंख मिलाए, सुबह तो पति अजय पर नहीं थे, पर अब अजय को भी मालूम हो गया होगा कि बच्चों को कितना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके वो प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी उनके पिता से बहुत घिले मिले हैं। घर के आगे ऑटो रुका, बबलू रोज की तरह दौड़कर नहीं आया। नीलू भी सिर्फ एक बार झांक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से बबलू को आवाज़ दी। वह दूर से ही बोला, हम नहीं आते, आप मालती हैं, आपसे अमाली कट्टी हो गई। सासी वैसे भी बिस्तर उसके सिर पर दर्द होने लगा। वह चुपचाप वैसे ही आंख बंद कर किए पड़ी रही थी। किसी ने बत्ती जलाई, सास ही थी। उसके करीब आकर बोली, चलो बहू हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। सास की हमदर्दी अच्छी भी नहीं लगी और साथ ही शर्म भी आ गई। रात का खाना पीना खत्म हुआ तो वह बिस्तर पर चले गए। अजय खाना खाकर कमरे में चला गया, जरूरी केस देखना था। शशि को उनका बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। बबलू करवट बदलते हुए नेत में कुछ बड़बड़ाया। शशि ने उसको चादर उड़ाई, फिर नीलू की ओर देखा। आज नीलू भी उसमें घर आने के बाद अब बोली नहीं है। दिनों तो स्कूल छुट्टी से छोटी बात बताती थी, तरह तरह के प्रश्न थी, साथ में खाना खा जिद भी करती थी। फिर सोते समय जब तक एक आध कहानी न सुन ले उसे नींद नहीं आती थी। पर आज शशि को लग रहा था कि मानो बच्चे पराए हो गए हों, उससे दूर हो रहे थे। 2.5 साल के बाद बच्चे में अपना पराया की क्या समझ हो सकती है। वह तो माँ को ही कुछ सब कुछ समझाता है। माँ ही तो सबको बिछोड़ कर कहाँ रहना चाहती है। वह दिन भी कितना बुरा था जब वह पहली बार इंदु से मिली। शशि सोचने लगी, कैसी शशि सजी धजी से बातचीत पर अपना हंसना। शशि को उस दिन पर जीवन से परिपूर्ण एकदम जीवंत लगा। अजय और मनोज साथ भी पढ़े थे। आजकल मनोज उसी शहर में लाकर कॉलेज में लेक्चरर तरक्की कर प्रोफेसर बन गया। उस दिन रास्ते में मुलाकात हुई, मनोज ने अजय शशि को घर आने का निमंत्रण भी दे दिया था। वहाँ जाने पर शशि भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम में था कोई म्यूजियम, महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी नई डिशेज। शशि तो नाश्ते के दौरान ही कुछ अधिक ना बोली, पर इंदु चहकती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। इंदु किसी काम से अंदर चली गई। अजय और मनोज बीते दिनों के यादों में खोए हुए थे। शशि सोचने लगी, उसका पति वकालत में इतना कमा ही लेता है जिसमें आराम से रहा जा सके। खाने पहनने और बच्चों की घी में कमी कोई नहीं होती है, बचत भी ठीक है, सुख शांति भी भरा पूरा परिवार है। पर मनोज के यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बड़ा तुच्छ लगा। इंदु की आवाज़ से शशि
राज इतनी बड़ी चौकी कि अजय और मनोज उसे देखने लगे। मनोज ने कहा, शायद भाभी के घर में छोटे बच्चों को याद आ रही होगी, भाभी इतना मोह में ठीक नहीं है। अब देखिए हमारी श्रीमती जी को ले दे, एक दो ताल हो गए, उसे भी छात्रावास में भेज दिया, मुश्किल से 8-10 साल का है, कहती है वहाँ से शुरू रहेगा तो तय भी सीख लेगा। भाभी आप ही बताइए क्या घर पे बच्चे पढ़ पाएंगे, शिष्टाचार नहीं सीखते। मनोज शायद आगे भी कुछ कहता कि इंदु शशि का हाथ पकड़कर ये कहते हुए अंदर ले गई। अजी इनको तो यह आदत है, कोई भी आए तो शुरू हो जाते हैं। भाई हम तो कहते हैं भावुकता पसंद नहीं है, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। उसके व्यवहारिक होने का थोड़ा अंदाजा तो बाहर से ही मिल रहा है। जब अंदर जाकर देखा तो LED टेलीविजन, कंप्यूटर चमकता, महंगा फर्नीचर, ओह क्या क्या गिनाए। शशि की हैरानी तो इंदु शायद भाप गई थी। बड़े गर्व से गर्व के बजाय घमंड कहना ही उचित होगा। बोली, ये सब मेरी मेहनत का फल है। यदि बिक्की को छात्रावास में न रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़ी ही की जा सकती थी। उसको देखने के लिए आया, नौकर रखो, फिर उस नौकरी को निगरानी करो, अच्छा सिरदर्द ही समझो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, हर महीने 70,000 रुपये कमा लेती हूँ, काम भी तो अच्छा ही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। जरा ढंग से सबर के रहना, लोगों में मिलना और मुस्कान बिखेरते रहना। सबर कर रहना किसी औरत को अच्छा नहीं लगेगा। और अरे मैं तो बोल ही क्या रही हूँ, आप भी कुछ कहिए, अच्छी भी ले आई, आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी था, बढ़िया सुंदर डबल बेड और उस पर बिछी चादर कितनी सुंदर की है। कल्पना में शशि अपने आप को अजय के साथ देखने लगी। सिर में झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर अजय बोला, चलो शशि क्या यही रहने का इरादा है। इंदु ने अजय से कहा, आप इन्हें कभी कभी यहाँ ले आया करिए, इनका मन यहाँ भी अच्छा लगेगा। आपको समय ना हो तो मनोज को फोन कर दीजिए कि हम खुद ही उन्हें ले आएंगे। शशि को इच्छा तो हुई कि कहे आप हमें लेने आएंगी तो मेरे घर पर बातचीत हो सकती है, पर ना भारी हो रहा था कि लग रहा था कि अगर एक बोल भी मुँह से निकाले तो वह रो देगी। वह समझ रही थी कि इंदु सिर्फ अब धन का दिखावा कर दिखाना चाहती है। घर लौटते ही आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर अजय एकदम बोला, मनोज की पत्नी भी खूब है, वह आगे कुछ बोले। इससे पहले शशि ने टोक दिया, हाँ मुझ जैसी बेवकूफ थोड़ी उसकी आवाज में रुवासी है। अजय ने आश्चर्य से कहा, उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, शशि कैसी बेवकूफों की बातें करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली, यह अनजाने से क्या बोल गया, मानो शशि कही हुई बात का समर्थन कर दिया। एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई होगी, बच्चे शायद सो भी गए होंगे। पर शशि की अमोघ दृष्टि देखकर फिर से रास्ते पर चुप ही रहा। घर पहुंचने पर शशि सिर दर्द का बहाना करके बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे इंदु के बेडरूम के सपने आते रहे। इंदु की अलमारी में सजी साड़ियों की इंद्रधनुषी छटा रहकर आंखों में सामने नाच रही थी। ओह कितनी साड़ियां, रोज एक एक पहने तो साल में उसे 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका न आए। अब तो उनकी सारी दूसरी कार भी आने को है। वैसे तो कई लोगों ने अच्छे भी बड़े घर कार सब देख चुकी है। खुद को भाई साहब के पास कार है, पर वो बड़े बड़े इंजीनियर हैं और अपने पति की बराबरी में तो कुछ भी नहीं। सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। शशि ने यह भी नहीं सोचा कि उसकी बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने से पहले कई दिन तक उन्हें वह में पड़ी रही, 2.5 साल का बबलू उसे कैसे संभालेगा। सासू माँ बूढ़ी है, अजय अब राय मांगी तो उन्होंने भी यह भी कहा, भाई परिस्थिति बस नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई है। कम से कम बबलू को कुछ ही बड़ा होकर स्कूल जाने तो लगे। ठीक है फिर भी आगे तुम्हारी इच्छा। सास ससुर ने भी कहा, बबलू को हम संभाल लेंगे, हमारा और ही है ही कौन, और तुम्हारा शरीर भी तो, दोनों भार को सहन करके तब तक जो भी करो सोच समझ कर करो। पर उस सिर पर तो जैसे भूत सवार है। 6-7 दिन तक तो स्कूल बबलू की खूब याद आती थी, पर ठीक लगने लगा। पर रोज स्कूल से लौटे जब तक घर में कदम रखती तो घर की कुछ अर्थव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए थे। कामवाली ने बताया कि घर पर कोई नहीं है, नीलू उसको पानी दे रही है। नीलू को देखते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। बाल बिखेरे हुए, फ्रॉक की तुरपन उधड़ी हुई, हाथ में पेंसिल कलर लगाए हुए, अजीब हलाल बनाकर नीलू के बगल में पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। उसका तमतमा चेहरा देखकर वहाँ का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। नीलू सुबकती हुई एक कोने में खड़ी हो गई और बोली, उसका समय शशि को अब अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि
उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि उससे खैर खाए बैठे जानबूझकर उसका अपना अपमान करना चाहते हैं, पर आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात पे गौर समझ लिया। पहले तो वह जैसे बोले रुमाल देख कर रख दिया करती थी, उस कपड़ों पे प्रेस बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों को पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफ़ी कुछ काम कर लेती थी, पर अब तो अजय अपने हाथ से बटन लगाना आदि छोटी मोटी मरम्मत करना सीख लेता है और कुछ बोलता भी नहीं है। बबलू भी 2 महीने का है, कुछ दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती है, खिला सकती है, प्यार भी बहुत करती है, पर माँ की ममता प्रारंभिक शिक्षा और थोड़े ही दे सकती है। फिर उसके कमाने पर क्या फ़ायदा, सिवा उसके इस घर का खर्चा पहले ही बढ़ गया। सब कपड़े धोबी को जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज़्यादा होने लगा और मेहरी को भी काम बढ़ जाने से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, आटो का खर्च अलग से। इस प्रकार मासिक खर्च बढ़ ही गया है। इसके अलावा बच्चे भी अब सो अलग, सास बेचारी दिन भर काम में पिसती रहती है, अब जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों के घर की शांति भंग हो गई, जिस पर उसके जो कल्पना की थी उसकी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी उसे कार्य रूप में परिणत करना कितना मुश्किल है। यह उसे तुरंत पता लग गया कि उसे कहने से ही झिझक रही होगी, कहीं अजय ना ये समझ लें कि फिर उसने इन दिखावे चीज़ों के लिए नौकरी की है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अजय ने मन ही मन हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सोचा। खैर अब तो सुध आ गई, बाज नहीं आई नौकरी, उसने मन ही मन सोचा। बच्चे जरा बड़े हो जाए तो देखा जाएगा। अगले दिन उसने अजय को चपरासी के हाथों 1 महीने का नोटिस देते हुए अपना त्याग पत्र तथा 1 दिन आकस्मिक अवकाश की अर्जी भेज दी। अजय ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़नी शुरू हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी से निकले। अजय ने पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो, क्या हो गया, तुमने कितने दिन की छुट्टी ले रखी। शशि बोली, हमेशा के लिए। अजय परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच सच तुम बताओ, नहीं जाओगी स्कूल। चलो अब मैं कंपीज पैंट में बटन नहीं टांगने पड़ेंगे, धोबी को डांटने का काम भी तुम ही संभाल लोगी, अब रात को थके होने का बहाना भी नहीं कर सकती। पर यह तो बताओ, नौकरी छोड़ क्यों दी है। शशि उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए बोली, मजा ले रही थी, उसने पति पर दया खाने की आई है। हाँ मुझे नौकरी नहीं छोड़नी थी, जनाब दर्जी तो ही बन जाते, अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुंह से कहा होता। शशि तुम्हारे स्कूल जाने से मुझे कितनी परेशानी होती है डियर, हम तो शुरू से कहना चाहते थे पर हमारी बात को अब जस्ती थोड़ी है, हमने कभी सोचा नहीं था कि थोड़े मन की अपने आप सब हाल सामने आएगा ही तो जान जाओगी, पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाओगी। खैर तुमने अपनी परिस्थिति को पहचान लिए तो सब ठीक है, फिर थोड़ा ठिठक ठिठक कर बोले। हाँ शशि, श्रद्धागृहिणी बनना कितना कठिन है, तुम सब अपने दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है। मालूम है, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ओर से पूरी छूट है, तुम पढ़ो लिखो कुछ नया सीखो पर अपने दायित्व को समझ कर। फिर कुछ दूर दोनों मौन चलते रहे। अजय को लग रहा था कि शशि कुछ पूछना चाह रही है पर हिचक रही होगी। 2-3 बार उसने शशि की ओर देखा और मानो हिम्मत बांध कर पूछ ही लिया। इंदु को देखकर उसे, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो कितनी लायक औरत है, उसने अपना घर कैसे सजा लिया, तब आपको मुझमें कमी नहीं लगती, आखिर शशि ने पूछ लिया। अजय इतना खुलकर हंसे कि राय इक्का दुक्का हो, लोग भी मुड़ के उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का ये कैसा कौन सा मौका है, शशि समझ ना पाई। जब उनकी हंसी रुक तो बोले, तुमको क्या लगता है मनोज बहुत खुश है, क्या वो कह रहा है। मालूम है यार, जवान का स्वाद ही चला गया है, मनपसंद चीजें भी खाए ऐसा हो गया होगा। श्रीमती जी दफ्तर आकर पराठे सेक देती होंगी, बस इतवार के दिन छुट्टी में मूड में रहती होंगी, देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर, बस यही तो बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप के रुपए भेजने का टोका जाता है, आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो नहीं है। और सुनोगी, उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार ये बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। वो सब क्यों बोला, आखिर इच्छा तो होती होगी कि इंदु देखो इन बच्चों को भी शिष्टाचार की कोई भी सीख नहीं है, सीख कन्वेंट पब्लिक क्लबों में बल्कि माँ को सिखाने से मिली है, मैंने ये सुनकर अनुभव किया होगा। तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये तुम्हारी जीत थी,
और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। इंदु की आधी तनख्वाह तो अपनी साड़ी मेकअप होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती होगी। बेटे के छात्रावास में रखने का खर्च अलग से, उसकी अहम की भावना और मेरे भावना से ग्रस्त है। ये मैं समझती हूँ कि उसके नौकरी करने से ही घर में इतनी चीजें आई हैं, जहाँ यह मेरे की भावना आई है। घर की सुख शांति नष्ट हो जाओ समझो, कुछ रुक जाओ। अजय बोले, चलो शशि अब तुम घर चले, काफी दूर निकल गए। फिर धीरे से बोले, आज के बाद रात को थकान का बहाना ना चलेगा। शशि को गुदगुदी सी और बहुत दिनों बाद उसके मन में बची बेचैनी दूर हो जाती लगी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, तब तक के लिए अच्छे से रहो।